नमस्कार मित्रों, आज हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे। मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा शरीर हमेशा स्वस्थ कैसे रहता है? इसके भीतर कार्य कैसे होते हैं? कौन से ऐसे कार्य हैं जिनका निरंतर होना आवश्यक है? आज हम जैव प्रक्रमों के बारे में पढ़ेंगे और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप ऐसे सभी सवालों के जवाब दे पाएंगे। चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि आज जैव प्रक्रम के बारे में हम क्या चर्चा करेंगे। मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि जीवित या प्राणहीन की क्या परिभाषा होती है? किसी को भी देखकर आप यह कैसे कह सकते हैं कि वह जीवित है या प्राणहीन? क्या यह जरूरी है कि कोई भी जीवित वस्तु खुद से चल सके, दौड़ सके या सांस ले सके? पर अगर ऐसा हुआ तो हमारे मुताबिक तो पेड़ पौधे प्राणहीन है। जीव विज्ञानियों के अनुसार किसी के भी जीवित होने के पीछे उसके अंदर होने वाले जैव प्रक्रम जिम्मेदार हैं। इसलिए यह हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम इन जैव प्रक्रमों के बारे में जानें और इन्हें समझें। मित्रों, अब मैं आपको बताता हूं कि जैव प्रक्रम होते क्या हैं। हमारे शरीर में लगातार होने वाले अनुरक्षण कार्य ही जैव प्रक्रम कहलाते हैं। यह कार्य तब भी होते रहते हैं जब हम सो रहे हों या चाहे कुछ भी ना कर रहे हों या हम काफी मेहनत कर रहे हों, जैसे कि हम दौड़ रहे हों, चल रहे हों। अच्छा, इन कार्यों का निरंतर हमारे शरीर में होते रहना कोई आम बात नहीं है। इसके लिए हमें शक्ति स्रोत की लगातार जरूरत पड़ती है और यह शक्ति हम अपने भोजन के रूप में लेते हैं। इसी को हम पोषण करते हैं। अलग अलग प्रकार के जीव जंतु अलग अलग प्रकार से अपना पोषण लेते हैं। यहाँ हमें यह बात ध्यान रखनी चाहिए कि पोषण भी एक प्रकार का प्रक्रम ही है। मित्रों, अब मैं आपको बताता हूं कि हमें ऊर्जा कैसे मिलती है। हम जिस भोजन को शक्ति स्रोत के रूप में लेते हैं उसे शरीर में उपयोग हेतु लाने के लिए भी कोई प्रक्रम होना चाहिए। यह प्रक्रम इसलिए भी जरूरी है क्योंकि शरीर को ऊर्जा उस रूप में चाहिए जिससे कोशिकाओं में आणविक विकास हो सके। इसके लिए शरीर के अंदर रासायनिक क्रियाओं की एक श्रृंखला की जरूरत है। इस प्रक्रम के लिए बहुत से जीव बाहरी स्रोतों से ऑक्सीजन प्रयुक्त करते हैं। तो मित्रों, अब मैं आपको बताता हूं कि आज हम किन चार जरूरी जैव प्रक्रमों के बारे में जानेंगे। पहला, पोषण। दूसरा, श्वसन। तीसरा, वहन। और चौथा, उत्सर्जन। पोषण यानी कि न्यूट्रिशन। हम कोई भी काम करते हैं उसके लिए हमें शक्ति की जरूरत होती है। वृद्धि, विकास एवं प्रोटीन संश्लेषण के लिए भी हमें बाहर से पदार्थों की जरूरत होती है। कुछ जीव अकार्बनिक स्रोतों से कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 व जल के रूप में सरल पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं। यह जीव स्वपोषी हैं और इनमें हम सारे पेड़ पौधे और कुछ जीवाणुओं को भी शामिल करते हैं। कुछ जीव जटिल पदार्थों का उपयोग करते हैं। इन जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में खंडित करना अनिवार्य है
ताकि ये जीव के संरक्षण एवं वृद्धि में प्रयुक्त हो सके। इन्हें हम विषमपोषी जीव कहते हैं। इनमें मानव एवं शेर, बाघ आदि आते हैं। आइए अब हम स्वपोषी पोषण के बारे में जानते हैं। किसी भी स्वपोषी जीव की ऊर्जा की आवश्यकताएं प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस द्वारा पूरी होती है। इसमें पेड़ पौधे बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल लेते हैं और सूर्य के प्रकाश एवं क्लोरोफिल केमिकल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर दिए जाते हैं। निम्नलिखित नीले अक्षरों में दी गई रासायनिक क्रिया ही फोटोसिंथेसिस कहलाती है। मित्रों, अब हम प्रकाश संश्लेषण के बारे में और विस्तृत तरीके से जानेंगे। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के दौरान निम्नलिखित घटनाएं होती हैं। पहला, क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। जब पेड़ पौधों पर सूरज की किरणें पड़ती हैं, तब पेड़ पौधों की पत्तियों के अंदर क्लोरोफिल नामक पदार्थ इन सूरज की किरणों से प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है और इसे इकट्ठा करता है। दूसरा, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन। इस प्रकाश ऊर्जा को जो कि पत्तियों के अंदर इकट्ठा की जाती है उसको एक खास प्रकार की कोशिकाएं रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करती हैं। इसी दौरान जल के अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन होता है। इन्हीं रासायनिक क्रियाओं के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड का भी कार्बोहाइड्रेट में अपचयन होता है। इसे ही हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। मित्रों, अब हम विषमपोषी पोषण के बारे में जानेंगे। विषमपोषी जीव वह होते हैं जो अपना पोषण दूसरे जीवों के सहारे लेते हैं। जैसे कि गाय का आहार घास होता है, वैसे ही शेर एवं अन्य मांसाहारी जानवर दूसरे जानवरों को खाते हैं। इसलिए हम यह कहते हैं कि गाय शाकाहारी होती है और बाघ मांसाहारी होता है। अगला जैव प्रक्रम है श्वसन यानी कि रेस्पिरेशन। पोषण प्रक्रम के दौरान हम जो भी खाद्य पदार्थ लेते हैं कोशिकाएं उनका इस्तेमाल विभिन्न जैव प्रक्रमों में ऊर्जा प्रदान करने के लिए करती हैं। सभी जीव ग्लूकोज से ऊर्जा का मोचन इनमें से किसी भी तरीके से कर सकते हैं। इस रासायनिक प्रक्रिया में ग्लूकोज जो कि 6 कार्बन अणुओं से बना होता है वह सबसे पहले पाइरूवेट में बदलता है, साथ ही ऊर्जा भी मिलती है। इसके बाद पहला तरीका है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में यानी कि ईस्ट में। इसमें पाइरूवेट इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है, साथ ही हमें ऊर्जा मिलती है। दूसरा तरीका है ऑक्सीजन का अभाव जो कि हमारी मांसपेशियों की कोशिकाओं में होता है। इसमें पाइरूवेट लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा में बदल जाता है। तीसरा तरीका है पाइरूवेट का कार्बन डाइऑक्साइड और जल में परिवर्तित होना। यह तब होता है जब ऑक्सीजन की पूर्ण उपस्थिति होती है। यह माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। इसमें ऊर्जा की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। अगला
अगला चयन का क्रम है वाहन यानी कि ट्रांसपोर्टेशन। यह चित्र हमारे हृदय का है। वाहन का क्रम का सबसे महत्वपूर्ण भाग है हृदय। हमारे शरीर में रक्त बहता है जो कि भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थों का विलीन रूप से वहन करता है। ऑक्सीजन को लाल रुधिर कणिकाएं ले जाती हैं। इसलिए हमारे शरीर में एक पंप यंत्र की जरूरत है जो कि रक्त को हमारे शरीर में अंग अंग तक ले जा सके ताकि हर एक अंग को पोषण तत्व मिल सके। हमारे शरीर के पंप यंत्र का नाम हृदय है। यह हमारे शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त लेता है और फिर ऑक्सीजन युक्त रक्त छोड़ता है। हमारा हृदय तो केवल एक पंप यंत्र है। रक्त से कार्बन डाइऑक्साइड को हटाने का काम और उसे ऑक्सीजन युक्त बनाने का काम तो फुफ्फुस का है। इस चित्र में होने वाले कार्यों का विस्तृत विश्लेषण अब मैं आपको बताऊंगा। पहले तो रक्त हमारे शरीर से हृदय में आता है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड युक्त होता है। यह रक्त फुफ्फुसीय धमनी से होकर फेफड़ों में जाता है जहां अल्वियोली द्वारा उसमें से CO2 निकाल ली जाती है। फिर ऑक्सीजन युक्त रक्त फुफ्फुसीय शिरा से होकर हमारे हृदय में फिर से आ जाता है। इस तरह हमारा हृदय रक्त से कार्बन डाइऑक्साइड निकालकर उसे ऑक्सीजन युक्त बना देता है। अगला प्रक्रम है सर्जन यानी कि एक्सक्रीशन। हमारे शरीर में अन्य उपापचयी क्रियाओं में जनित नाइट्रोजन युक्त पदार्थों को निकालना भी जरूरी है। वह जैव प्रक्रम जिसमें इन उपापचयी वर्ज्य पदार्थों का निष्कासन होता है उसे हम उत्सर्जन कहते हैं। मानव के उत्सर्जन तंत्र का सबसे अहम भाग है लेकर मूत्र बनाने का उद्देश्य है रुधिर में से वर्ज्य पदार्थों को बाहर निकालना। इस चित्र में आप हमारे उत्सर्जन तंत्र को देख सकते हैं। आज हमें जैव प्रक्रमों के बारे में पढ़ने के बाद यह समझ आ गया कि सारे जैव प्रक्रम महत्वपूर्ण हैं। अगर हमारे जैव प्रक्रमों को चलाने वाले यंत्रों में से यदि कोई एक भी ठीक से काम न करे तो हमारा मन एवं शरीर स्वस्थ नहीं रह सकता। अंत में आपका धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा और मैं आगे भी प्रयत्न करूंगा कि मैं इसी तरह की वीडियो बनाऊं। धन्यवाद।